गोंडा से आ रही है खबर से जहां पर जम करके अनाज की कालाबाजारी हो रही है। अनाज की कालाबाजारी करते हुए कोठेदार यहां पर पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने भ्रष्ट कोठेदार को रगे हाथों पकड़ा है। मौके से करीब 22 क्विंटल अनाज बरामद हुआ है। पूर्ति निरीक्षक कर रहे पूरे मामले की जांच। तो जिला गोंडा से ये खबर जो कि भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। नवाबगंज के चौखड़िया गांव का ये मामला, 22 क्विंटल अनाज की बरामदगी वहां पर हुई है। पूर्ति निरीक्षक पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगे हैं। कोटेदार की तरफ से यह धांधली की गई है। नवाबगंज के चौखड़िया गांव का ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से। तो पूर्ति निरीक्षक पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में नवाबगंज के चौखड़िया गांव के जहां पर कोटेदार के ऊपर में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा। कहा यह जा रहा है कि यहां पर अनाज की जमकर के कालाबाजारी हो रही थी। कालाबाजारी करते हुए कोटेदार पकड़ा गया है। राजकुमार हमारे सहयोगी, राजकुमार क्या है मामला? देखिए आपको बता दें कि जो ये अनाज जो कोटेदार हैं वो अपना अनाज जो है वो कहीं दूसरी जगह पर उतरवा रहे थे और उसको लेकर वहां पर ग्रामीण मौके पर आ गए। ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी है और वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो सब लोग आए हैं और उसको वहां पर कई ऐसे जो अधिकारियों को सूचना दी गई वो भी मौके पर पहुंचे हैं और मौके से 22 क्विंटल अनाज करीब वहां पर बरामद किया गया है। पुलिस उसको थाने ले गई है और जो अधिकारी हैं पूर्ति निरीक्षक वो उसकी जांच कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ये एक घोटाला कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से जो गरीबों का निवाला है वो छीना जा रहा है, जो बिचौलिए हैं। राजकुमार, क्या इसने कुछ महीनों से गरीबों में ये अनाज वितरित नहीं किया था? नहीं, ये देखिए जहां गोदाम से उठाया गया और उठाने के बाद इसको व्यवस्थित अलग किया गया, दुकान पर नहीं ले जाया गया, अलग घर पे रखा गया और वहां से सीधा इसको बिचौलियों के हाथ से बेचा जाएगा। तो कुल मिलाकर उसी चीज को लेकर के ग्रामीणों ने इस कोटेदार को रंगे हाथ पकड़ा है और इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी है, अधिकारियों को सूचना दी है, मौके पर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है। जी शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए राजकुमार।